इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वॉइस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टेलीफोन में, तो टेलीफोन में क्या रहता है कि कई बार हमें हॉटलाइन जो अनेबल करना रहता है। हॉटलाइन मींस कि अगर आप किसी टेलीफोन को उठाते हैं तो दूसरे जगह जो नंबर आप सेट करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली आपका रिंग होने लगेगा, वहां पे नंबर डायल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे काफी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हॉटलाइन को अनेबल किया जाता है। उसके बाद हम उसमें हम कॉल वेटिंग की सुविधा कैसे एक्टिवेट करेंगे, कॉल फॉरवर्ड कैसे करेंगे, बीजी कॉल फॉरवर्ड कैसे करेंगे, नो रिप्लाई कॉल फॉरवर्ड कैसे करेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करेंगे टेलीफोन से, इन सब का एक एक चीज को हम कैसे अनेबल करेंगे हम भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका राउटर होगा या मॉडम होगा उसके अंदर आपको सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे जितने भी डिफॉल्ट में रहता है 192.168.1.1 में लॉगिन होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम में जनरली एडमिट रहता है, वो पासवर्ड आप आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा जो आपका सेटिंग करेगा। अगर आप सेट कर रहे हैं मॉडम को तो वही आपका पासवर्ड होगा। जैसे कि अभी मैं हमारा जो पासवर्ड है वो मैंने अभी लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं VOIP रजिस्टर क्या है। यहाँ पे रजिस्टर है तो यहाँ पे क्या है कि कनेक्शन चल रहा है। और एक चीज और आपको दिखा दे, यहाँ पे वन इंफॉर्मेशन में वॉइस जो है वॉइस का विलन है और स्टेटस क्या है कनेक्टेड है, इंटरनेट भी कनेक्टेड है। और एक चीज और दिखा दे, POM कनेक्शन, POM मतलब जो आपका ऑप्टिकल पावर पावर जो आ रहा है वो आपका कनेक्टेड है। उसके बाद ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर भी आपका शो कर रहा है, -18 है, वो काफी सफिशियंट है आपका इंटरनेट के लिए। अब हम आते हैं जो अभी हमारा टॉपिक था, अब दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में जैसे ही गए तो आपको VOIP में जाना है। VOIP का जितना भी काम होता है यहाँ पे देखिए। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे रजिस्टर है। अब हम आते हैं VOIP एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में हम चलने जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो हमें एडवांस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या क्या एक्टिवेट करना है, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपका जरूरत है वो यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हॉटलाइन अनेबल। हॉटलाइन के बारे में मैंने बताया था कि हॉटलाइन वहां पे किया जाता है जहाँ पे आपको इमरजेंसी सर्विसेज हो। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर हम ये डाल दें तो अगर ये नंबर अगर हम डालते हैं तो इस नंबर पे तो अगर आप टेलीफोन उठाएंगे अपना वाला तो इस नंबर पे आपका डायरेक्टली कॉल जाने लगेगा। वैसे अगर कॉल अगर वेटिंग करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसको भी एक्टिवेट कीजिए। अगर आप किस नंबर पे अपना कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस नंबर को टाइप कर दीजिए। जैसे कि अभी मेरा नंबर है और बाकी 2 डिजिट है, अभी मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए फॉरवर्डिंग, यहाँ पे 2 नंबर और होगा, वो और 2 नंबर है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्ड करना है, बीजी कॉल फॉरवर्ड करना है, नो रिप्लाई कॉल फॉरवर्ड करना है, उसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो क्या, और नो रिप्लाई कॉल फॉरवर्डिंग वेटिंग टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना भी आपको जो भी चीज जरूरत हो वो सारा आप इंटर करिए। यहाँ पे ये नंबर नहीं ले रहा है क्योंकि आपको 10 डिजिट का लेना है, वो आपको 10 डिजिट में, जैसे मैं अभी 12 डाल दिया, ये हालांकि ये मेरा नंबर नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए कॉलर आईडी अभी FSK में अभी है, FSK में ही आपका कॉलर आईडी। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में पता होगा तो FSK बहुत अच्छा है, मिले इसको स्टडी किया जाता है इसके ऊपर। ये सारे करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद जो जो आपने अभी फीचर ऐड किया वो सारे फीचर उस टेलीफोन में एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सर्विसेस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये सारे चीज आपको अगर कोई भी रिलेटेड है टेलीफोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चीज और आपको दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पे देखिए नेटवर्क में अभी जाने के बाद आपको टेलीफोन का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटरनेट के लिए दिया गया है और वॉइस के लिए, एक सबके लिए क्या होता है एक विलन रहता है, विलन के थ्रू ही इंटरनेट भी चलता है। यहाँ पे देखिए एक विलन आईडी हुआ है, एक यूजर आईडी है, और यूजर आईडी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब हम आते हैं, ये हो गया,
अब आपको अगर टेलीफोन में ही जाना है तो टेलीफोन में जाने के बाद VoIP में यहाँ पे देखिए रजिस्टर as.ftth.ims.bsnl। AS मतलब क्या है, असम सर्कल में भी हम कार्यरत है तो वहां पे AS वाला है, और रजिस्टर स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे अगर नॉट रजिस्टर दिखाएगा तो आपका आपका जो टेलीफोन है वो कभी भी नहीं चलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है मॉडम से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं एक टेलीफोन टेलीकॉम में एक इंजीनियर हूँ तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।